देखिए ये सबका यूनाइटेड एफर्ट होना चाहिए इसको ठीक करने के लिए। अकेली पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, हरियाणा की भी है, सबकी प्रॉब्लम है। और ये मैं समझता हूँ इकट्ठी प्रॉब्लम है सबकी। दिल्ली कह रहा है कि हरियाणा और पंजाब, देखिए एक दूसरे पे बात डालने से काम नहीं चलने वाला है, बकपासिंग नहीं चलनी चाहिए। हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपना अपना प्रदेश ठीक करना चाहिए। पंजाब में किस तरह के चल रहे हैं इसको रोकने के लिए? आज ही आपने देखा होगा पीसीबी जो हमारा पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनकी एक स्टडी है, उस स्टडी में पिछले साल से 40% कम है पोल्यूशन, लेकिन फिर भी 40,000 लोगों ने जलाया है और सिर्फ 2,000 पे भी एफआईआर भी नहीं हुई। देखिए कंप्लेंट्स हुई है, एफआईआर अपने ही लोग हैं, आप कितनी एफआईआर करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसा है सबको, हम तो कहने की किसी भी गांव में जाते हैं अपने बच्चे खौ खौ कर रहे हैं, बुजुर्ग खौ खौ कर रहे हैं, तो इसके इसके लिए रास्ता निकलना चाहिए हम समझते हैं। और सख्त है इसके ऊपर, मैं समझता हूँ सभी सरकारें सख्त होनी चाहिए, सब सख्त है, पर अपने ही लोग हैं जो जलाते हैं, अब कितनी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं? लेटर लेके आए तो केजरीवाल को भी आप राजनीति मत करिए इसमें, आप देखिए शायद दिल्ली में भी जल रहा है। इस पर खट्टर जी ने क्या लिखे, मैं हमने बड़ी डॉक्यूमेंट ऑन दिस। डेंगू काफी फैला हुआ है, डेंगू का डेंगू जो है वो साफ पानी का मच्छर है, उसका मच्छर जो है, और बहुत हमने लोगों से कहा है कि अपने घरों को साफ रखिए, फ्रिज साफ रखिए, कूलर साफ रखिए, अपने जो पंछियों को दाने डालने वाले बर्तन है उनको साफ रखिए, घर में कहीं भी इकट्ठा ना होने दे पानी, स्विमिंग पूल खाली होने चाहिए। बहुत हमने बाई सी एक्टिविटी बड़ी की है इस बारे, पर लोगों में भी एक अवेयरनेस लाने की कोशिश की है। हमारे अपने 11 डिपार्टमेंट्स एकजुट होकर लगे हुए हैं इस बात में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें।